हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर तहे दिल से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। यहां पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले जियो के 5G जो फ़ोन है वो लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन दोस्तों इसकी जो है कब से बुकिंग वगैरह सारा कुछ ऑन होने वाला है तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों आपके मन में ये भी डाउट होगा कि दोस्तों जियो का 5G फ़ोन लॉन्च हो रहा है या सिम लॉन्च हो रहा है या फिर ग्लास लॉन्च हो रहा है, मतलब ग्लास मतलब चश्मा, ठीक है गाइस। तो इसमें से सारा कुछ आपका कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। दोस्तों कुछ लोग जो है वीडियो जो है बना रहे हैं यूट्यूब पर कि दोस्तों यहाँ पर जो है ग्लासेस ऑन कर दिए गए, मतलब लॉन्च कर दिए गए हैं, वो भी जियो की तरफ से, जो कि 5G गीगा फाइबरों को ही सिर्फ प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कैसी जानकारी कुछ भी नहीं आई है, सिर्फ दोस्तों आपका टाइम पास किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी जानकारी पर कतई विश्वास ना करें। अभी प्रशा मतलब मुकेश अंबानी जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिससे कि हम लोग साफ तौर पर कह सकें कि हाँ भाई जियो का जो है ग्लासी लॉन्च हुआ है। दोस्तों वहाँ पर उन्होंने बात करा था कि हम लोग जियो 5G लाने वाले हैं, तो वहाँ पर दोस्तों साफ साफ तौर पर समझने में आ ही रहा है कि जो जियो 5G आने वाला है उसका सिम ही लॉन्च होगा। फिलहाल फ़ोन की बात करें तो फ़ोन की अभी लॉन्चिंग डेट कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो इसकी लॉन्चिंग डेट है वो जल्दी हो जाएगी। और दोस्तों बात यहाँ पर बुकिंग वगैरह की आती है कि 5G बुकिंग जो है हम भी इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो दोस्तों 5G बुकिंग जो है सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ कैसा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो है अभी तो फ़िलहाल इसकी कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी जो अपडेटिंग है मतलब कि इसकी जो बुकिंग है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी जो बुकिंग है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, और इसे कुछ महीनों के लिए जो है ऑनलाइन ही रखा जाएगा। इसके बाद जो है ये जो है दुकानदारों के पास जाएगी, नहीं तो ये ऑनलाइन सेवा में ही उपलब्ध रहेगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया के हिसाब से जो है इंडिया में अब ज़्यादातर प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन ही भेजा जा रहा है, तो इस वजह से जो है ऑनलाइन सेवा के तहत ही इसे भी वर्क किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं मुकेश अंबानी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो है ये जो फ़ोन है ये 5G में चलेगा, बट यहाँ पर जो है इसकी स्पीड जो होगी ज़्यादा कुछ खास नहीं होने वाली है। इसकी स्पीड जो है मैं आपको बता दूँ 4G से थोड़ी बेटर होगी, मतलब कि 4G में जो अब हम लोग वीडियो देखते हैं थोड़ा बहुत रुक जाता है, तो वो जो है वीडियो रुकने का चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में इतने यूज़र हैं, किसी भी फ़ोन की बात करें तो इतने भी यूज़र हैं कि कोई भी फ़ोन जो है डेड हो जाता है, मतलब कि अपने मन से जो है उसका जो है काम तमाम हो जाता है, तो ऐसा अक्सर होता है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो अपडेट है ये जियो ने खुद अपने पर्सनली तौर पर लॉन्च किया है ताकि सारे यूज़रों को उनका प्रॉफिट मिल सके। फिलहाल जो है इंडिया जो है चीन का प्रोडक्ट तो अब यूज़ नहीं करता है, इस वजह से मुकेश अंबानी जी ने दिमाग लगाया कि चलिए हम लोग इंडिया में अपना ही 5G लॉन्च करते हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा मिलेगा और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। इस वजह से जो है ये 5G फ़ोन जो है लॉन्च किया जा रहा है, वो भी इंडिया में। तो आप सभी लोगों के फ़ायदे के लिए मुकेश अंबानी जी ने जो ऑफ़र लिया है वो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यदि वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। धन्यवाद।